थोड़ा क्विक वीडियो ये कर ही लेते हैं कि आज कितना कलेक्शन हुआ है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान का। एंड मूवी के अब वर्डिक्ट चेंज नहीं होने वाले, पर कलेक्शन जब तक आता रहेगा मेरा काम है कलेक्शन देना। देखो आज की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत ही स्लो। आज मंडे है, अब तो क्या मतलब क्या ही बोले। सो मंडे है, वो भी सक्सेसफुल फिल्में नहीं है ये दोनों भी। और आज एट प्रेजेंट तो मैं बात करूँ कि 70 लाख्स को बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने अभी तक क्रॉस किया है। अभी लगभग सिर्फ 4 आवर्स भी नहीं बचे हैं एक्चुअली इस दिन को ख़त्म होने को। 1 करोड़ भी नहीं गई है, लग नहीं रहा है 1 करोड़ जाएगी, पर शायद शायद जाए, शायद बोल रहा हूँ। और आज मैदान नीचे आई है भाई, आज मैदान बहुत नीचे आई है। आज बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत ऊपर है, 50 लाख को क्रॉस किया है मैदान ने। आज ये मूवी जाएगी भाई 60 लाख, बस 60-65 लाख। बोला था मैं आपको कि वो जो फ्राइडे सैटरडे संडे पे मत जाओ, बस वो 3 दिन का धमाका था। और वो भी क्या धमाका भाई, एक फिल्म का बजट है 350 करोड़, एक फिल्म का बजट है 160 करोड़, कुछ लोगों के अकॉर्डिंग है 90 करोड़। फिल्में तो भाई नहीं चली ना, एक मूवी 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड के लिए तरस रही है, एक मूवी जो है मैदान वो 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड के लिए तरस रही है। तो मूवी तो भाई ऑलरेडी टाटा बाय बाय हो चुका है, वर्डिक्ट चेंज नहीं होने वाला है, बट अपना काम है भाई कंटिन्यू अपडेट देते रहना। और आज तो बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन देखने को मिला है, मैदान के शोज़ भी कम हुए हैं और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के भी बहुत से शोज़ आज कम हुए हैं। और ऑडियंस अगर ऐसा करती रहेगी तो यही करते रहो, मत करते रहो सपोर्ट, पर बाद में वो सोशल मीडिया पे भी मत करते रहो भाई कि नहीं 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 हमारे बंदे की फिल्में चलेगी ऐसा वैसा। वो एक्टर लोगों को ना झूठी उम्मीदें मत दो, ये मैं कहूँगा, क्योंकि जो हाइप है ना, मैं सीधा बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मैदान का हाइप नहीं था, बना नहीं था, लेकिन जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का हाइप था ना, हाइप की बात कर रहा हूँ मैं सर, उसने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ मारना चाहिए था। चलो नहीं 100 करोड़ ना, 60-70 करोड़ तो कहीं नहीं गया। और अब तो भाई ठीक है, बुरा लगेगा अक्षय अजय टाइगर तीनों के भी फैंस को, टाइगर फिर भी यंग है, लेकिन अक्षय अजय रणबीर कपूर को बच्चा ना बोलो भाई, ही इज़ अ सुपर स्टार। और सच में बच्चे भी आगे जा रहे हैं, अगर उस बारे में बात करने ही जाऊँ मैं तो। इधर आप लोग कॉरपोरेट बुकिंग करना शुरू करो, या फिर बस वो रीमेक्स वाली फिल्में छोटे मोटे बजट के साथ, वो सक्सेसफुल एटलीस्ट अजय देवगन का हो रहा है उसमें सक्सेस, अच्छी बात है। पर मूवी वाइज जो एक एनिमल वाला एंगल 900-1000 करोड़ वाला, सलमान खान का भी बजरंगी भाई जन अच्छा गया था बाय द वे, वो उसको क्या भाई, एक मूवी है वो तगड़ा कर लेगा, उसका कुछ नहीं। वो सिकंदर भी आ रही है, उसके फैंस लॉयल है। शाहरुख का भी वो धमाका देखा आपने, तो ना भाई आप ना वो झगड़ते मत रहो फिर, अगर सपोर्ट नहीं करना है ना अपने एक्टर को, नहीं 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 अजय भाई भारी है, अक्षय भाई भारी है, क्या भारी है भाई, तुम लोगों ने कुछ नहीं रखा है उन दोनों के लिए। अब यही है कि उम्मीद करते सरफिरा से, क्या मालूम कितना अक्षय के फैंस करेंगे सपोर्ट, जहाँ पे इतनी बड़ी फिल्म को इन लोगों ने नहीं किया सपोर्ट इतना हाइप होने के बाद भी। अब ये यूट्यूबर्स तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं ना आपको कम से कम कंटिन्यू, कि भाई मूवी ख़राब है ये है वो है, आप उनका ही सुन रहे हो तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है। और रही बात मैदान पे, वो तो फाइव अच्छी फिल्म थी, फिर भी अब बोनी कपूर ने प्रमोशन नहीं किया, देखते सिंघम और औरों में कहा दम था क्या करेगी। बुरा लग रहा होगा आपको, लेकिन अब क्या बोले, मतलब जो एक परफॉर्मेंस है फिल्मों का और वो जो एक हाइप बनी थी वो तो इतनी शॉकिंग है कि बोलना मेरा काम है भाई, आज नहीं बोला तो कब बोलूँ फिर। डिसअपॉइंटिंग दोनों भी फिल्में, बहुत ही ज़्यादा फेलियर। अरे यार ये फिल्मों का मुझे इस बारे में भी ज़्यादा हंसी आ रही है कि इन लोगों ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और क्रू फिल्म को तक नहीं क्रॉस किया। यार क्रू मैं आपको कल दे दूंगा लिस्ट, टॉप 8 टॉप 10 जो अभी तक फिल्में आई है ना अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल 2024 में, वो लिस्ट दे दूंगा, आप खुद आंकड़े देख के शॉक हो जाओगे।